राजधानी भोपाल और मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के साथ ही नवरात्रि के दूसरे दिन धूप और उमस ने लोगों को परेशान कर दिया। मौसम में ये बदलाव न केवल स्थानीय निवासियों के लिए परेशानी है, बल्कि ये नवरात्रि के उत्सवों में भी खलल डाल रहा है। मानसून के खत्म होने के साथ दिन भर की चिलचिलाती धूप ने से लोगों को परेशानी हो रही है। हालांकि तापमान पिछले दिनों की तुलना में कुछ कम था, लेकिन धूप की तीव्रता ने इसे ज्यादा असहनीय बना दिया। शुक्रवार से शनिवार रात के न्यूनतम तापमान में जो उछाल देखा गया, वह भी मौसम के इस बदलाव का संकेत है। भोपाल में शुक्रवार को दिन भर लोग गर्मी के कारण बेहाल रहे। मौसम वैज्ञानिक अभिजीत चक्रवर्ती के अनुसार राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और ये अगले कुछ दिनों तक इसी तरह बना रहने की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर रात के तापमान में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। ये राहत की बात है, लेकिन दिन के समय की धूप से परेशान लोगों के लिए ये पर्याप्त नहीं है। राजधानी भोपाल का अधिकतम तापमान शुक्रवार को 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कुछ स्थानों पर ज्यादा तापमान से कम था। प्रदेश के खजुराहो जिले में सबसे ज्यादा 36.8 डिग्री सेल्सियस तापमान देखा गया, जबकि गुना और दमोह जिले में तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस रहा। 5 अक्टूबर से मानसून की विदाई का मतलब है कि अब बारिश की कोई संभावना नहीं है, जो कि विशेष रूप से किसानों के लिए चिंता का विषय है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 4 दिनों तक मौसम इसी प्रकार बना रहेगा, जिसमें दिन में तेज धूप और रात में थोड़ी राहत मिल सकती है। इस दौरान लोगों को सलाह दी जाती है कि वे दिन के समय बाहर निकलते समय उचित सावधानी बरतें, विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान, जब भक्त विभिन्न प्रकार की पूजा और अनुष्ठान में व्यस्त होते हैं, उन्हें इस गर्मी से अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। नवरात्रि का पर्व, जो देवी पूजा और उपासना का जरूरी समय होता है, अब इस गर्मी की वजह से कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा है। भक्तजन मंदिरों में जाकर माता की आराधना कर रहे हैं, लेकिन धूप और उमस उन्हें असुविधा पहुंचा रही है। भोपाल सहित प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में कई लोग नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा अर्चना में जुटे हैं, और ऐसे में मौसम का ये बदलाव उनकी भक्ति को प्रभावित कर सकता है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सुझाव दिया है कि वे धूप से बचने के उपाय करें और जरूरत पड़ने पर बाहर न निकलें। इस समय मौसम की स्थिति को लेकर आने वाले दिनों में कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्थिति न केवल आम जनता के लिए बल्कि किसानों और व्यवसायों के लिए भी जरूरी है। बारिश की कमी और गर्मी का बढ़ना कई क्षेत्रों में फसल और कृषि उत्पादन पर असर डाल सकता है, इसलिए मध्य प्रदेश के निवासियों को अगले कुछ दिनों तक सावधान रहने की जरूरत है, ताकि वे इस गर्मी का सामना कर सकें और अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। मौसम के इस बदलाव को लेकर सभी को सतर्क रहना होगा, ताकि नवरात्रि का पर्व खुशी और भक्ति के साथ मनाया जा सके।